बिहार बोर्ड से जितने भी स्टूडेंट मैट्रिक इंटर का एग्जाम देने वाले हैं 2021 में, उन सभी स्टूडेंट का फाइनल एग्जाम होने से पहले ही बिहार बोर्ड ने आप लोग को रिजल्ट डेट से लेकर कॉपी और मूल्यांकन तक की सारे प्रोसेस आप लोगों को कंप्लीट रूप से बता दी है। तो आखिर आप लोगों को रिजल्ट कब आएगा, कब से कब तक कॉपी को मूल्यांकन होगा, इस वीडियो में आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जो भी स्टूडेंट इस पर एग्जाम देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह का रेगुलर कंटिन्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप लोग को बताया गया है कि इंटर की कॉपियों की जांच 26 फरवरी से, यानी आप लोग को इंटर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनका कॉपियों को मूल्यांकन की प्रोसेस 26 फरवरी से स्टार्ट कर दिया जाएगा। और वही मैट्रिक वाले भी स्टूडेंट को यहाँ पर आप लोग को बताया गया है कि कब से कब तक तो कॉपियों को मूल्यांकन चलेगा और कब आप लोग को रिजल्ट दिया जाएगा 10th और 12th दोनों स्टूडेंट को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बात करिएगा तभी आप लोग के लिए फायदेमंद होगा। .net बच्चे आप किसी क्वेश्चन में अटक गए हैं या प्रॉब्लम हो रहा है तो उस क्वेश्चन को फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और सबमिट कीजिए 5 वीडियो सॉल्यूशन 5 सेकंड के अंदर। साथ ही साथ वो क्वेश्चन चाहे आपको होमवर्क का हो या CBSE या UP महाराष्ट्र या राजस्थान किसी भी अनदर बोर्ड का हो, साथ ही साथ क्लास 6 से लेकर 12वीं तक के एडवांस जेईई मेंस लेवल तक के सभी क्वेश्चन का सॉल्व मिलेगा। चाहे विषय प्रॉब्लम आप लोग को फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ, बायो किसी भी सब्जेक्ट का हो, सभी क्वेश्चन को मिलेगा सोल्व। साथ ही साथ क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक अभी चल रहा है लाइव क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो 3 करोड़ से अधिक बच्चे ने इस ऐप को डाउनलोड किया, आप ही ऐप को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। देख सकते हैं बताया गया कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा और मैट्रिक 2021 की उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन के लिए जिला मुख्यालय केंद्र बनाया जाएगा, यानी 10th और 12th दोनों स्टूडेंट का जो इस बार एग्जाम होगा उन सभी स्टूडेंट का कॉपियों को मूल्यांकन के लिए जिला में मुख्यालय केंद्र बनाया जाएगा। हर जिले में मूल्यांकन केंद्र बनेगा, यानी बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उन सभी डिस्ट्रिक्ट में मूल्यांकन केंद्र बनेगा। और देख सकते हैं बताइए इंटर के लिए 7 और मैट्रिक के लिए भी 7 मूल्यांकन केंद्र रहेगा। बिहार बोर्ड मानो तो इंटर के मूल्यांकन 26 फरवरी 2021 से, यानी इंटर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनका 26 फरवरी से कॉपियों को मूल्यांकन स्टार्ट कर दिया जाएगा और मैट्रिक वाले स्टूडेंट का 5 मार्च से कॉपियों को मूल्यांकन की प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। पूरी तरह से कंप्लीट आप लोग को होने की संभावना यहां पर कंप्लीट रूप से बता दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। साथ ही साथ आप लोग को बताया कितना दिन में कॉपियों को मूल्यांकन चलेगा और कब से कब तक आप लोग को कॉपियों की प्रोसेस स्टार्ट रहेगी। देख सकते हैं बताया गया है कि मुख्यालय केंद्र के लेकर बिहार बोर्ड ने अनंत किशोर ने जिला सभी पदाधिकारी को पत्र लिखकर इसे बोर्ड के सभी जिला के मूल्यांकन केंद्र निर्धारण करने के लिए निर्देश दे दिया गया है। और साथ ही साथ मूल्यांकन केंद्र को निर्धारण करने के लिए केंद्रों की सूची बोर्ड के पास भेजनी है। निर्धारित मूल्यांकन केंद्र को नाम के साथ साथ केंद्र का निर्देशक का नाम और उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उनकी बैंक खातों की विवरण मांगी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को बताया गया है कि कॉपियों को मूल्यांकन को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए 15 दिन आप लोग को टाइम दिया गया है। 15 दिन में समाप्त करना होगा मूल्यांकन, यानी 10th और 12th दोनों स्टूडेंट को कॉपियों को मूल्यांकन के पूरी तरह से कंप्लीट रूप से समाप्त करने का 15 दिन डेट दिया गया है सभी टीचर को। बताया जा रहा है कि बोर्ड ने मानो तो इंटर के मूल्यांकन 26 फरवरी से शुरू होगा और मूल्यांकन 15 दिन में संपन्न होने की संभावना है, लेकिन मुख्य विषयों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के लिए अतिरिक्त 5 दिन समय दिया जाएगा। वही मैट्रिक के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 20 मार्च तक समाप्त करने की संभावना है। प्रत्येक केंद्र पर 100 से 200 के बीच में यहां पर परीक्षक नियुक्त किया जाएगा, यानी पूरी कंप्लीट रूप से तैयारी कर लिया गया है मैट्रिक इंटर दोनों स्टूडेंट को कॉपियों को मूल्यांकन पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर अब लोग को 5 मार्च से कॉपियों को मूल्यांकन की प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा और वही 26 फरवरी से कॉपियों को इंटर की मूल्यांकन पूरी तरह से आप लोग को शुरू करने के निर्देश दिया गया और 15 दिन के अंदर मैट्रिक इंटर दोनों स्टूडेंट को कॉपियों को मूल्यांकन के स्टार्ट करने के बाद संपर्क करने की प्रोसेस की गई है। देख सकते हैं बताया गया कि मूल्यांकन केंद्र पर मूल्यांकन के बाद कंप्यूटर से अंकों की होगी एंट्री, यानी तुरंत जैसा ही कॉपियों को मूल्यांकन की प्रोसेस होता है और जितना कॉपी एक दिन में मूल्यांकन होता है उनका तुरंत आप लोगों को अंकों की कंप्यूटर में एंट्री किया जाएगा। देख सकते हैं बताया गया जिला में और कॉलेज में कंप्यूटर की व्यवस्था और वहीं पर मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा, यानी जहाँ पर कॉपियों को मूल्यांकन के केंद्र वहीं बनाया जाएगा जहाँ पर कंप्यूटर की व्यवस्था उपलब्ध रहेगा। बोर्ड ने मानो तो स्कूल और कॉलेज में कम से कम 6 कंप्यूटर हालात चालू होने चाहिए और ज्ञात है कि इंटर डायरेक्ट कंप्यूटर सेंटर सोसाइटी के तरफ से 50 कंप्यूटर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, यानी सभी मूल्यांकन केंद्र पर। इस तरह से बिहार बोर्ड इस बार पूरी तरह से कंप्लीट तैयारी कर लिया है। 10th और 12th दोनों स्टूडेंट का जल्द से जल्द कॉपियों को मूल्यांकन होगा और तुरंत आप लोग को इस बार रिजल्ट घोषित किया जाएगा। बिहार बोर्ड की ओर से पूरी तरह से कंप्लीट तैयारी कर लिया है, तो यानी आप लोग को देखा जाए तो मार्च में आप लोग को पूरी तरह से आप लोग को 10th और 12th दोनों स्टूडेंट का रिजल्ट की पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा और रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि लमसम 15 दिन में ही आप लोग को रिजल्ट देने का निर्देश दे दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जान सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।